जैसे आप गजल समाप्त फरमा रहे थे, एक और सिंफ भी है हज़ल। हज़ल के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू मैं इस माइक से कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ। एक मरतबा परवीन शाकिर चोश मलिहाबादी और दो चार शायर बैठ के एक कन्वर्सेशन कर रहे थे। परवीन शाकिर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो चाय सर्व करें, इसमें से बढ़ा के मुझे दीजिएगा कि वो चाय सर्व करें। तो जब परवीन शाकिर को चाय सर्व करने की जिम्मेदारी दी गई तो वो यक्के बाद दीगर एक से पूछती रही कि चाय इसमें चीनी कितनी हो, इसमें पत्ती कितनी हो, एक सब पूछती थी। जैसे कोई भी शायर है कि इसमें चीनी के एक चम्मच, पूछती थी पत्ती के एक चम्मच, पूछती थी दूध के एक पाउच डाल दीजिएगा। फिर किसी और शायर से पूछा कि चीनी कितनी के एक चम्मच, फिर एक और शायर से पूछा कि चीनी कितनी के एक चम्मच, पत्ती कितनी के एक चम्मच, दूध कितना के एक चम्मच। जोश साहब के हुजूर जब पेश हुई, जोश मलिहाबादी बड़ा के ज़हीन आदमी थे, बहुत हाजिर जवाब थे, उनसे पूछा कि चीनी के एक चम्मच, फिर उनसे पूछा पत्ती के एक चम्मच, के दूध के बस दिखा दीजिए। तो ये लतीफा जो है वल्गर तो है, लेकिन जोश ने कहा है पहले मुझसे जोश पे इल्जाम लगेगा अगर वो कह सकते हैं और ये कोई लिख सकता है इसको, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये वल्गर है। मैंने ये माहौल बनाया है एक ऐसे शायर के लिए कि जिसने बहुत कम वक्त में अपनी एक अलग शनाख्त की है फन ज़राफ़त के हवाले से। बहुत अच्छा शेर कहते हैं बड़ी अच्छे अंदाज में, और सबसे अच्छी और प्यारी बात यह है उनकी शख्सियत का जो मेजर अट्रैक्शन है, उनकी वॉइस बड़ी स्टीरियोफोनिक है। जो मैंने क्या कहते हैं पुंछ रेडियो के हवाले से, अमेरिका का एक रेडियो है वहाँ के हवाले से मैंने सुनी थी एक मरतबा। अनस फैजी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, दिल्ली मुकीम है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। आइए उनसे गुजारिश करते हैं फन्ने ज़राफ़त के हवाले से। बला का शेर कहते हैं जनाब अनस फैजी, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नाम बताएं। भाई कोई मामू ना कह देना खुदा के लिए। हेलो शुक्रिया, मैं अभी चलूंगा थोड़ी देर में, एक घंटा और। भाई आप अगला नगमा कौन सा सुनना चाहती हैं? तो वो फोन इन फ्रेंड एक प्रोग्राम आता था, तो वो बोले कि ए सुनो अजी मेरी बीवी से बात कर लो जरा। तो वो बोले ए बात कर ए कर ए कर। वो दो तीन मिनट हो गए तो वो बेचारा अपनी अहलिया से बेगम से ये कहता रहा कर ए कर क्यों ना रही कर। तो खैर उन्हें काटना पड़ा। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, जहाँ रेडियो पर बात करते हुए वो खातून जो है शर्मा। मुलाहिजा करें कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो गंजे हैं, जैसे सलमान खान। हाँ हैरान मत होइए, अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराता तो मेरे जैसा ही था। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती। अरे बहुत उम्दा है, वाह 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 वाह। अरे वाह 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 भाई, इनके डालिए जितनी माला डाल लिया बाल ही नहीं अटकने के इनके। अरे वाह, नहीं लड़कियां इतराती हैं। मैं पढ़ लो। नहीं हमने देखा कि हमेशा रिजेक्ट, हमने भी बार बार इजहार किया, बार बार रिजेक्ट हुए। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी, जब बाद में उनके मियां देखो अल्लाह इंतकाम लेता है पूरा पूरा। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। बहुत अच्छा है अनस भाई, वाह। और लड़कियां खास देखती हैं, सलमान मिलेगा, ऋतिक रोशन मिलेगा, टाइगर श्रॉफ मिलता क्या है वो देख ले। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर,
क्यों अकड़ती एक दिन क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के बाद में खाला के लड़के से लगन होना। हाय 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 वाह 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 बहुत अच्छा है भैया नस भाई वाह 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 वाह। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के ख्वाब शाहरुख खान के बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। अभी बात चल रही थी रस्ते में कि शादियां बड़ी लेट करते हैं लोग। बहुत शुक्रिया। और 30-35 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं। जब आधी जिंदगी निकल जाती है उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं एक तजमीन मुलाहिज़ा करेंगे। मालूम है सब मुझको अब मुंह नहीं खुलवाओ किस तरह यहाँ किसका अरमान निकलता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। बहुत अच्छा है। मालूम है सब मुझको अब मुंह नहीं खुलवाओ किस तरह यहाँ किसका अरमान निकलता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। और लोग 2.5-2.5 लाख के एसी लगाते हैं 3-3 लाख के एसी 150 रुपए की एक चीज आती है। गेट पर दोजख के मैंने एक फरिश्ते से कहा किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। गेट पर दोजख के मैंने एक फरिश्ते से कहा किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। हंस के बोला आपका एसी टपकता था जनाब इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। अरे बहुत अच्छा है बहुत उम्दा। गेट पर दोजख के मैंने एक साहब बोले कि गंदा पानी को ये एसी का टपकने दो। गेट पर दोजख के मैंने एक फरिश्ते से कहा किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। हंस के बोला आपका एसी टपकता था जनाब इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। बहुत उम्दा। और देखिए कैलकुलेटर कैमरा घड़ियां कलम और नोटबुक। कैलकुलेटर कैमरा घड़ियां कलम और नोटबुक हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश। वाह। कैलकुलेटर कैमरा घड़ियां कलम और नोटबुक हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश। कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। वाह 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 बहुत अच्छा है। वाह 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 भाई वाह 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 भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अरे वाह 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 पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। बहुत शुक्रिया बहुत। कैलकुलेटर कैमरा घड़ियां कलम और नोटबुक। कैलकुलेटर कैमरा घड़ियां कलम और नोटबुक हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश। कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। हाय हाय तो बहुत शुक्रिया। बड़ा अमीर नाम है यार इनका एम ए खान। मैं सुन ये बड़ा प्यारा भाई मेरा सैयद अहमद इनकी फरमाइश पर चार मिसरे सुना रहा हूँ के परवीन शागिर के मिसरे। जी 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 हमने कहा कि जाने जा
फूलों से लब हैं आपके, हमने कहा कि जाने जा। फूलों से लब हैं आपके, फूलों से लब हैं आपके, फूलों से इन लबों ने तो जीना मुहाल कर दिया। हमने कहा कि चूम ले हम भी लबों को आपके, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, उसने कमाल कर दिया भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हमने कहा कि जाने जा, फूलों से लब हैं आपके, बहुत उम्दा। हमने कहा कि जाने जा, फूलों से लब हैं आपके, फूलों से लब हैं आपके, फूलों से इन लबों ने तो जीना मुहाल कर दिया। हमने कहा कि चूम ले हम भी लबों को आपके, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। एक साहब, मुझे बात ने कमाल कर दिया। हमारे यहाँ बड़ी तरह तरह की मस्जिदें हो चुकी हैं, अब कोई फला की मस्जिद, कोई फला की, फला जगह लिखा हुआ है तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, फला जगह लिखा हुआ है आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो एक साहब बोले कि मैंने उनसे पूछा कहाँ नमाज पढ़ते हो, तरावी कहाँ पढ़ते हो रमजान में, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो नज़्म करा किया है। मसलकी तफरीक दुनिया से अनस मिट जाएगी, मसलकी तफरीक दुनिया से, तफरीक दुनिया से अनस मिट जाएगी, एक हो जाएंगे सारे देखना फिरका परस्त, शिया सुन्नी देवबंदी साथ में होंगे खड़े, आप मस्जिद में जरा एसी का कीजिए बंदोबस्त, शिया सुन्नी देवबंदी साथ में होंगे खड़े, आप मस्जिद में जरा एसी का कीजिए बंदोबस्त। एक कथा और उसके बाद कि ये लग रहा है खुदा मिल गया है व्हाट्सएप पर, ये लग रहा है खुदा मिल गया है व्हाट्सएप पर, खुदा मिल गया है व्हाट्सएप पर, नमाजियों में तरीका ये हो गया राइज, सलाम फिरते ही यूं देखते हैं मोबाइल, कबूलियत का उन्हें जैसे मिल गया मैसेज, वाह वाह वाह, कबूलियत का उन्हें जैसे मिल गया मैसेज, बढ़िया है यार। आमिर अमीर एक बड़े मशहूर यंग शायर है पाकिस्तान के, उनकी गजल है उबैद की फरमाइश थी कि अगर ये कह दो मैं लग रहा हूँ अभी कुंवारा, तो मैं तुम, अगर ये कह दो मैं लग रहा हूँ अभी कुंवारा, तो मैं तुम्हारा, या इतना कह दो मोहल्ले भर में हूँ सबसे प्यारा, तो मैं तुम्हारा। तुम्हारी अम्मा तुम्हें जो पीटे, तुम्हारे अब्बा सताएं तुमको, तुम्हारी अम्मा तुम्हें जो पीटे, तुम्हारे अब्बा सताएं तुमको, तुम्हारा घर में हो एक पल भी नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा। और ये एक बड़ा मेरी ननिहाल बिजनौर की है, और जितनी आवारगी की है वो बिजनौर में की है मैंने, और जितनी शराफत थी वो दिल्ली के लिए रखी, तो हाँ देखेंगे बिल्कुल बिजनौरी दो मिसरे हैं। अभी भी मौका है जान मेरी, मैं घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, अभी भी मौका है जान मेरी, मैं घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, निकाह से तुम जरा सा पहले भी दो इशारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, तालियों के साथ रुखसत कीजिए जनाब अनस फैजी साहब का।